घे घे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। क्या आपको पता है मुखड़े की अंतिम पंक्ति का क्या है गोवा कनेक्शन? नहीं पता है तो चलिए आज आपको बताते हैं इस पंक्ति का अर्थ भी और इससे जुड़ा गोवा कनेक्शन भी। इस गीत की अंतिम पंक्ति गोवा के प्रसिद्ध गीत घे 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 रे साहेबा मकन करो मकन कगो घे 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 रे साहेबा मकन कगो मकन कगो। कोंकणी भाषा में इसका अर्थ है इसे ले लो और चलो साहब, जबकि माका नाका गो का अर्थ है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इस लोकगीत में युवतियां नाविक से आभूषणों के बदले नदी के दूसरी ओर चलने की प्रार्थना कर रही हैं, जबकि नाविक जाने से मना कर रहा है। भगवान परशुराम की नगरी गोवा को गोमांतक, गोमंत, गोमांचल और गोपक द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कोंकण की काशी कहे जाने वाले इस नगर में आज भी पुराने मंदिरों के अवशेष उपस्थित हैं, जिन्हें 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने विध्वंस कर दिया और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। उस समय गोमांतकों के पास अपना धर्म बचाने का एक ही उपाय था, मांडवी नदी के उस पार चले जाना। इस लोकगीत में भी युवतियां नदी के दूसरे छोर पर ले चलने की नाविक से प्रार्थना कर रही है। अंग्रेज वर्ष 1947 में देश छोड़कर चले गए, जबकि गोवा का वनवास समाप्त होने में पूरे 14 वर्ष लगे। 13 जून 1955 को कर्नाटक से आरएसएस स्वयंसेवक जगन्नाथ राव जोशी ने गोवा सत्याग्रह आरंभ किया और गोमांतक दल बनाया। 25 जून 1955 में जोशी जी ने 50 स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह किया। जोशी जी ही थे जिन्होंने पणजी सचिवालय में सर्वप्रथम 1955 में झंडा फहराने का साहस किया और पुर्तगालियों को कड़ी चुनौती दी, जिसके बाद उन्हें 17 वर्ष का कारावास झेलना पड़ा। परंतु स्वयंसेवक डिगे नहीं और 2 महीने बाद ही 15 अगस्त 1955 के दिन आरएसएस प्रचारक बसंतराव ओक समेत सैकड़ों स्वयंसेवकों ने गोवा में प्रवेश किया। हाथ में तिरंगा लिए पुर्तगालियों भारत छोड़ो के नारे के साथ अखंड भारत के पुजारी आगे बढ़ रहे थे, जबकि बर्बर पुर्तगालियों की बंदूकें उन्हें निशाना बना रही थी। एक दो नहीं 51 वीरों ने उस दिन मां भारती की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए, परंतु वीर सपूतों ने तिरंगे को न गिरने दिया। इसी तरह 1961 तक निरंतर सत्याग्रह चलते रहे, जिससे पुर्तगालियों का मनोबल टूटता गया। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया। एक दिन बाद ही 19 दिसंबर को पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा वासियों को अत्याचारी शासन से सदैव के लिए मुक्ति मिल गई।